ओ तेरी तो आगे तुसी। मैं पिचकारी से दूध निकालने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने सोचा होली में बच्चों के मुंह में पिचकारी से दूध डाला जाए तो ओह बड़ा गंदा सा ख्याल है। नहीं, होली में रंगों से खेलो वो बेहतर है। ठीक है जी, सबसे पहले मतलब पहले तो हो चुकी वो मजेदार रेसिपी, ये दूसरी वाली रेसिपी है। अंडा ही बना रहा हूँ, वो भी मजेदार रंगीन वाली। ठीक है ना, तो आप इसे पिचकारी ठंडाई कहें, रंग बिरंगी ठंडाई कहें, लेकिन बनाना पहले मैं सिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, फटाफट ये लीजिए, ये कुछ मेरे पास मसाले हैं, गरम मसाले, दालचीनी, ये दो दालचीनी डालनी, साथ ही साथ छोटी इलायची, 6 से 8 छोटी इलायची, ये ब्लैक पेपर बहुत जरूरी है, पंच तो ब्लैक पेपर से आता है, ये 20 से 25 ब्लैक पेपर के दाने ये ले लिए अपने, साथ ही साथ रोज पेटल्स, ठीक है जी, 1 टेबलस्पून जितने बढ़िया रोज पेटल ले ले, सूखे वाले, थोड़ी देर तक भूनना है ताकि ये जो ब्लैक पेपर गरम मसाला है ये इनकी खुशबू बढ़िया हो जाए। ठीक है, ये देखिए अब ब्लैक पेपर जैसे मतलब गरम होती है तो खुशबू बढ़िया आती है। मैं बंद कर लेता हूँ इसे और इसी में ये जो थोड़ा सा सैफरन है वो डाल लेता हूँ, ताकि ये सैफरन जब गर्म हो जाए ना तो पिसने में आसानी हो जाती है और कलर जो है वो भी फटाफट आता है। ये लीजिए, अब मुझे पहले इसे यहाँ रख लेता हूँ क्योंकि कई सारी चीजें डलनी है ये सूखे मसाले के अलावा। ये क्या, अब ये सारी चीजों के साथ मैंने कुछ यहाँ पे भिगो रखा है, वो है मगज। ओहो हो, ये लीजिए, ये मगज मार्केट में मिल जाता है आसानी से, ये 3 चम्मच मगज बड़े वाले ये भिगोए थे। मगज के साथ साथ खसखस, ये खसखस है ना, आदमी खाएगा तो तृप्त हो जाएगा, मतलब कि ओहो मौन मगन हो जाएगा एकदम, ये इतनी बढ़िया चीज है। ये भी मैंने 2 चम्मच लिए और इसे भिगा के रखा हुआ है ओवरनाइट। ठीक है जी, रात भर भिगोए और ये उसके बाद छान लिया और ये पीसने के लिए इसमें डाल लें। अब इसमें मेरे पास काजू है, 10 से 12 काजू ले लें, ये डाल लिए, वो थोड़ी सी शक्कर मैं इसी में डाल लेता हूँ, ये आह मेरा ये जो मिश्रण है ना मजेदार, और दूध, अब इसे पीस लेता हूँ, क्या बात, ये लीजिए। ये अब पिस क्या है, पेस्ट आपने तब तक पीसना है जब तक खसखस बिल्कुल बारीक ना हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओहो ये देखिए, अब मैं ये सारी मिश्रण को ना ये बोल में निकाल लेता हूं, क्या बात, ये क्या बात है, और इसमें मैं अब दूध डाल लेता हूं, बढ़िया गाढ़ा दूध। अच्छा, ये दूध जो है ना खास उबाला है मैंने, और 1 लीटर दूध, यानी कि अगर 5 कप दूध उबाल रहे हैं आप तो जब तक 3 से 4 कप हो उतना गाढ़ा दूध होना चाहिए। ठीक है ना, ये लीजिए, अब इसे मैं अब सर्व करेंगे अपने अंदाज से, सर्व करेंगे बिल्कुल स्टाइल में। मेरे पास है खस सिरप, सबसे पहले ये लीजिए, मैं डालूंगा खस सिरप नीचे, 2 बड़े चम्मच खस सिरप। ठीक है, ये क्या बात है, और उसके बाद ध्यान से डालना है ये मिश्रण, बिल्कुल ध्यान से। अब इसे पहले चेक कर लेते हैं, ये काफी गाढ़ा है, मलाईदार है, इसमें और दूध डाल लेता हूं मैं, मलाईदार बन गया है और दूध डल गया है इसमें, क्या बात है। यार इसको आदमी पिएगा ना, मैं कहता हूं शिव शंभू को जरूर याद करेगा, ये
बिल्कुल ध्यान से डालना है, ठीक है? अब एक बार लेवल पहुंच जाए तो फिर टेंशन ना ले, फिर बिल्कुल भी टेंशन ना ले, फिर बिल्कुल आराम से डाले। ये बिल्कुल तैयार, इसके ऊपर थोड़े से बादाम, ये लीजिए, ओहो, थोड़े से पिस्ता, ये देखिए, नीचे ग्रीन, ऊपर ग्रीन, कुछ और कमाल करेंगे, वो है वासा, आहा, रोज फ्लेवर्ड अगर सिरप मिल जाए, लाल लाल, ये धीरे, ओहो, आप बताएं, आया मजा, ओहो, होली के रंगों में ऐसी रंगीली ठंडाई मिल जाए।